أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق أبي القاسم بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم إذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما ولما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زينا للمسرفين ما كانوا يعملون يا الله صل على محمد الله یہ سورہ یونس کی آیت ہے سورہ یونس قرآن مجید کا دسواں سورہ ہے یعنی سورہ ہود اور سورہ ابراہیم سے پہلے اور سورہ توبہ کے بعد یہ آیت ایک ایسے انسان کی کیفیت کو پیش کرتی ہے کہ جو ہمارے لیے بعید فہم نہیں ہے یعنی بہت زیادہ سمجھنے کے لیے تکلیف دہ نہیں ہے ایک فطرت ہے جو عام حالات میں انسان پاتا ہے اپنے میں اس کیفیت کو ایک حالت ہے جس سے ہم دو چار ہوتے ہیں قرآن نے اس کا تذکرہ کیا ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب انسان پر مصیبت پڑتی ہے اذا مس الانسان الضر
जब इंसान मजरत में मुब्तला होता है, जब उस पर मुसीबत पड़ती है, दाना ले जम्बे ही औ कायदन औ कायमा, तो करवट बदल बदल कर, बैठ कर, खड़े होकर, चलते फिरते उठते बैठते, वो बराबर हमको पुकारता रहा। वलम्मा कशफना अनहो जुर्रहू, मगर जब हमने उसकी मुसीबत को टाल लिया, मर्रा का अल्लम यदौना, ऐसा मुंह मोड़ के भागा जैसे कभी उसने हमको पुकारा ही नहीं। मर्रा का अल्लम यदौना इला जुर्रिन मस्सहू, इस तरह से भागा जैसे कभी उस पर कोई आफत पड़ी ही नहीं थी। कज़ालिका ज़ुय्यना लिल्मुसरिफीना मा कानू यअमलून, इसी तरह से हम उन लोगों के अमल को मुज़य्यन करके बतलाते हैं, जीनत दे के दुनिया में बतलाते हैं जो इसराफ करते हैं, और वो ये समझते हैं कि उनका अमल हक बजानिब है, जो कुछ कर रहे थे वो सही कर रहे थे। हमने मुसरफीन के अमल में भी एक जीनत दे दी कि वो ये समझते रहें कि जो हो रहा है बेहतर हो रहा है। मैं समझता हूं कि ये फितरत इंसानी का एक ऐसा गोशा है, एक ऐसा पहलू है कि जिस पे ज्यादा गौर की, फिक्र की, या जिसको मुश्किल समझने की चंदा जरूरत नहीं है। बहुत आसान बात है कि मुसीबत में इंसान उसको पुकारता है, मुसीबत जब टल जाती है तो ज़ात वाजिब को ये कहना पड़ता है कि जब हमने मुसीबत को उसकी टाल दिया तो वो इस तरह से मुंह मोड़ के भागा, मर रहा, वो इस तरह से गया कि अन लम यदौना, गोया कभी उसने हमको आवाज ही नहीं दी थी। ये सूरह यूनुस की आयत है। कुरान मजीद का 39वां सूरा है सूरह जुमर, उसमें थोड़ी सी और इसकी तशरीह कर दी। इरशाद हुआ, इजा मस सल इंसान जुर्रोन, जब इंसान को कोई मुसीबत आती है, दाना वो हमको पुकारता है, वह इजा खवल्ला हो निअमतम मिन्ना, और जब हमारी तरफ से उन मुसीबतों को टाल कर नेमतें उसकी जगह ले लेती हैं, तो कौला इन्नमा उतीतुहु अला इल्मिन, तो ये कहता है कि मेरा इल्म खुद ये कह रहा था कि मुसीबत हटेगी, मैं खुद अपने इल्म से ये जान रहा था कि मुझे ये नेमतें मिलने वाली हैं, मुझे खुद इसका हक पहुंच रहा था कि मुझे ये सारी नेमतें अता हो। यानी अब वो हक जताता है, जब हमने मुसीबतों को टाल दिया तो वो ये समझता है कि उसको तो ये मिलना ही चाहिए था, उसका तो ये हक ही था। और उसके बाद इरशाद होता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, बल हिया फितनतुन, ये एक इम्तिहान है इंसान का कि मुसीबतों को हटा के जब नेमतों को हम देना शुरू करते हैं, और जब वो ये कहता है कि मैंने अपनी काबिलियतों से सब कुछ लिया है, मैंने अपने इल्म के जोर पे हासिल किया है, तो हम गोया इम्तिहान में मुब्तला कर रहे हैं, एक इम्तिहान ले रहे हैं। लौकिन अक्सर हम लाओ यालमून, लेकिन उनकी अक्सरियत को इसकी खबर नहीं है।
ये दो मकाम, एक सूरह यूनुस दूसरे सूरह जुमर में इंसान की बेताबी से दुआ करने का जिक्र किया गया है। मैं चाहता था कि आज की इस फुर्सत में चंद बातें आप समझने की कोशिश करें, और वो बातें मुमकिन है कि आपके लिए कभी किसी वक्त भी गुफ्तगू के दौरान में मुफीद हो। सबसे पहले एक बात याद रखिए, वो ये कि ये दुनिया, इस वक्त की दुनिया, रोजाना तरक्की करने वाली दुनिया, इंकशाफात की दुनिया, ईजादात की दुनिया, नए नए मालूमात की दुनिया, इस दुनिया में इंसान का दीन और ईमान तो बड़ी हद तक मुतजलजल हो चुका। ये पहला जुमला, बड़ी हद तक मुतजलजल हो चुका। अव्वल तो ये कि दुनिया की बहुत बड़ी आबादी अल्लाह से मुनकिर हो गई ये कहकर कि हम तो आसमानों तक हो आए, चांद तक हो आए, जोहरा और मिर्रीख तक हो आए, कहीं हमने न किसी फरिश्ते को देखा, न किसी का घर देखा, न किसी का मकान देखा। उन्होंने ऐलानात कर दिए कि अब सही तौर पे ये साबित हो गया कि मजहब का कोई मकाम नहीं है। दुनिया की एक बड़ी आबादी मजहब से मुनकर हो गई। अब उसके बाद जो आबादी बच गई वो उन सरमायादारों के इन्फ्लुएंस में है, असर में है, कि जो रूस से या अमेरिका से हमको मुतासिर कर रहे हैं कि हम सब ढूंढ आए, खुदा कहीं नहीं मिलता, तुम क्यों वक्त जाया कर रहे हो। तो इस तरह से अब हमारा तालीम याफ्ता तबका जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वो भी कुछ लादिनियत की तरफ आ रहा है, लामजहबियत की तरफ आ रहा है, और वो ये समझता है कि जितने तहकीक करने वाले थे जब उनको खुदा नहीं मिला तो हमको कैसे मिलेगा। तो इस एतबार से दुनिया का रुझान लामजहबियत की तरफ जा रहा है। ये जुमला आप समझ गए। जैसे जैसे नई ईजाद आ रही है एक मरतबा एक फिक्र इंसान पे गालिब होती है कि अब दीन कुछ नहीं है, अब दीन कुछ नहीं है, अब वही नहीं है, फरिश्ता नहीं है, किताब नहीं है, कयामत नहीं है। अब ये बातें जहन में आई, यानी गायब कोई चीज नहीं है। और अगर ये पहला जुमला आप महफूज कर लें कि हम पर अब लादिनियत का गलबा है, तो इस लादिनियत के गलबे में भी क्या आप ये समझते हैं कि दिन नहीं होता, रात नहीं होती। अब तवज्जो से मेरी बातों को सुनिए, यानी मजहब नहीं है तो क्या अब दिन नहीं होता, रात नहीं होती, अब क्या बचपन से जवानी में इंसान नहीं आता, अब क्या जवानी से ज़ईफ़ी में इंसान नहीं आता, अब क्या इंसान मरता नहीं, अब क्या इंसान बीमारियों में मुब्तला नहीं होता, अब क्या इंसान पे जवाल नहीं आता, अब क्या इंसान में इनकलाब नहीं आते, अब क्या इंसान हंसी से खुशी, खुशी से हंसी, मरज में सेहत, सेहत से मरज में मुब्तला नहीं होता, मुंतकिल नहीं होता। क्या इंसान अब तकलीफ से एक मर्तबा बेनियाज हो गया। बहुत गौर से सुनिए, अगर इंसान यह तय भी कर ले कि मजहब कुछ नहीं है तो क्या सच बोलना लाजिम नहीं है। अब अगर इंसान यह तय कर ले कि दीन कोई चीज नहीं है तो क्या जुल्म करना लाजिम है, आदल करना जरूरी नहीं है। अब अगर ये तय कर ले कि वाकया ये है कि मजहब नहीं है तो क्या किसी का माल छीन लेना जायज है, क्या किसी का हक छीन लेना जायज है,
क्या किसी को उसके हक से महरूम कर देना जायज है? क्या झूठ बोलना जायज है? क्या किसी के घर में डाका डालना जायज है? क्या किसी के घर में जाके चोरी करना जायज है? क्या इंसान किसी की गीबत करता रहे, किसी के पीठ पीछे बुराई करता रहे? यानी अगर मजहब नबी हो तो अक्ल की बातें क्या हुई? नारे सलवात यानी अगर मजहब नहीं है तो क्या इंसान अकल को भी खो देगा? यह समझ के कि नहीं अब मजहब नहीं है इसलिए अकल को हटाओ, ऐसी तो कोई सूरत अब तक समझ में नहीं आई, अब तक समझ में नहीं आई। वो जो अपने आप को दहरिया कहते हैं वो वक्त के पाबंद होते जाते हैं, वो जो अपने आप को लामजहब कहते हैं वो चाहते हैं कि निजाम आदल कायम रहे, वो जो अपने आप को मजहब बेजार समझते हैं वो ये चाहते हैं कि किसी सूरत इंसान दूसरों के हुकूक का ख्याल रखे। तो अब आपने ये सोचा कि इस सारी तरक्की के बावजूद, मेरा एक जुमला याद रखिए, मुस्तकिल्लात अकलिया नहीं बदलते, यूनिवर्सल ट्रुथ्स नहीं बदलते, आलमी सदाकतें तब्दील नहीं होती, आलमीनी हकीकतों में तगय्युर नहीं आता, अगरचे दुनिया तरक्की करते करते सारे नुजूम पे इंसान का कब्जा भी अगर हो जाए तो ये इंसान का जो वक्त कट रहा है, जो वक्त कट रहा है, हर आन जो गुजर रही है, घड़ी पर नजर पड़े तो आपने देखा सेकेंड का काटा जो हरकत कर रहा है वो खुद हरकत नहीं कर रहा है, आपकी हयात को लेके जा रहा है, आपकी जिंदगी को लेके जा रहा है। तो क्या उस चलते हुए काटे को आने वाली तरक्कियां रोक सकती हैं? यानी ये जो कुछ भी हो रहा है, आपके पूरे इन्वेंशंस, आपका पूरा मॉडर्न साइंस का माहौल, क्या ये सब आपकी गुजरती हुई जिंदगी को आने वाहिद के लिए रोक सकता है? रुकेगी जवानी? जिस हालत में आप हैं रोक सकते हैं अपने आप को? नहीं। तो मालूम यह हुआ कि दुनिया जिस मंजिल पर भी पहुंच जाए, जो हकीकतें हैं वो हैं, ये बहुत अजीब बात है, जो हकीकतें हैं वो हैं, यानी अगर पैदा होना मुसल्लम है तो मरना मुसल्लम, और पैदा होने से लेके मरने तक तब्दीलियां मुसल्लम हैं, और इन तब्दीलियों में कभी जहमतें हैं कभी राहतें हैं, माना कि दुनिया की दौलतें हैं मगर सेहत का देने वाला कोई और है, माना कि दुनिया की नेमतें हैं मगर बीमारी से बचाने वाला तो कोई और है, मालूम नहीं कब क्या हो, मालूम नहीं कब क्या हो, चलते चलते किस तरह से यह दिल रुक जाता है। आज तक इसके मुताल्लिक तो कोई कुछ नहीं कह सका, कोई कुछ नहीं कह सका कि यह होता क्या है। तो ऐसे मौके पर बेख्तियार एक बात याद आई, वो सुन लीजिए, वो ये कि इंसान बावजूद इन सारी तरक्कियों के अपनी तन्हाइयों में अपने अकेले औकात में, जब वो लोनली होता है, बहुत अकेला होता है, तो कभी कभी अपनी जहमतों का, अपनी मुसीबतों का, अपनी परेशानियों का, अपनी हैरानियों का उसको ख्याल आता है। तन्हाई में कभी अपना, अपने बच्चों का, अपनी बीबी का, अपने घर का मुख्तलिफ ख्यालात आते हैं, और ऐसे में जब वो अपनी तन्हाई को महसूस करता है तो बेअख्तियार घबरा के वो आने वाहिद के लिए मुतवज्जह होता है किसी ऐसी ताकत की तरफ कि जिसके मुतालिक वो ये समझता है कि शायद मेरी आवाज को वो सुन ले, शायद मेरी आवाज को वो सुन ले। तो मजहब ने सबसे बड़ी सच्चाई जो अता की है वो ये अता की है कि इंसान
जब कभी उस पर मुसीबत पड़ेगी, जब कभी उस पर मुसीबत पड़ेगी, उसकी फितरत ढूंढेगी एक सहारे को। वो ला मजहब सही, बेदीन सही, दीन से बेजार सही, उसका कोई ईमान नहीं न सही, मगर वो एक आने वाहिद के लिए ढूंढेगा, कोई है मेरी मदद करने वाला, कोई है मेरी आवाज को सुनने वाला। तो मजहब ये चाहता है कि इंसान एक हकीकत को न भूले, और वो हकीकत ये है, वो हकीकत यह है कि वो ये जान ले कि दुनिया धोखा देने वाली जितना भी धोखा दे, लेकिन बंदगी की पेशानी पर हमेशा अल्लाह की मालिकियत का दाग रहे, बंदगी की पेशानी पर उसकी मालिकियत का दाग रहे, यानी हमेशा दिल मालिक की तरफ मुतवज्जह रहे इस अंदाज में कि परवरदिगार मेरा रब्त, मेरा इर्तबात, मेरा ताल्लुक तुझसे है, खाह दुनिया जिस कदर चाहे वो बदल हो जाए, जितनी तब्दीलियां चाहे इस दुनिया में आ जाए, लेकिन मेरा ताल्लुक तुझसे है। बहुत गौर से ये बातें सुने, मैंने थोड़ा सा वक्त लिया है आपसे, मगर मैं समझाना चाहता हूं क्या बात है। जैसा अभी मैंने अर्ज किया कि दुनिया की सारी तरक्कियों के बावजूद नींद तो वाजिब है ना, आप सोएंगे जरूर, जागेंगे जरूर, बचपना भी आएगा, जवानी भी आएगी, आप सच को सच जानेंगे, झूठ को झूठ जानेंगे, चोरी को बुरा समझेंगे, जुल्म को बुरा समझेंगे, इसी तरह आप में एक जज्बा है, उस जज्बे को आप किसी हालत में नजरअंदाज नहीं कर सकते, वो मोहब्बत है। ये मोहब्बत है ना, किसी हालत में हो आप मोहब्बत को नजरअंदाज नहीं कर सकते। और अब अकल का तकाजा यह है, अगर अकल साथ है, अकल का तकाजा है कि मोहब्बत के लिए चुनो उनको जो नेक हो, जो हक रस हो, दाद खां हो, दाद रस हो, नेकी पर चलने वाले हो, नेकी का रास्ता दिखलाने वाले हो, अच्छे हो, और इस तरह के हो कि दुनिया उनको देख के ये कहे कि वाकई ये दोस्ती के काबिल हैं। क्या ख्याल है, ये मुस्तकिल्लात अखलिया है। इससे मजहब दीन दियानत में किसी पे गुफ्तगू नहीं करता कि इंसान जिस तरह से सोता है, जागता है, चलता है, फिरता है, जिस तरह बीमार होता है, पैदा होता है, मरता है, इसी तरह उसके दिल में एक दोस्ती की भी ख्वाहिश है, मोहब्बत करता है। और अगर वो अपनी मोहब्बत में कुछ ऐसे अफराद को चुन ले कि जिनमें कोई ऐब नजर ना आए, तो कोई साइंटिस्ट हो, कोई अकल का दाता हो, कोई तकसीम करने वाला हो दानिश का, कोई बहुत बड़ा आलिम हो, तो वो भी आपके इस अमल पर तहसीन करेगा, आपको आफरीन करेगा कि आपने दोस्त तो अच्छे चुन लिए। देखिए मेरी इस बहस को याद रखने की कोशिश कीजिए, मुमकिन है जवानों के काम आए। यानी अगर आपने कहा कि भाई हमने ये दोस्त चुन लिए, ये दोस्त चुनिए कि इनमें बुराई नहीं है, अभी कुरान से बहस नहीं है, सिर्फ अकली बहस है, इनमें बुराई नहीं है, इनमें बुराई नहीं है, इन्होंने किसी का नुकसान नहीं किया, ये अदल पे रहे। और चूंकि दोस्त इन्फ्लुएंस करता है, चूंकि दोस्त का असर होता है, इसलिए उन दोस्तों ने एक हिदायत की, और उन दोस्तों की हिदायत यह है कि उठते बैठते चलते फिरते अपने आप को किसी की बंदगी से खारिज न समझो। मेरी बहस को आप समझे, यानी हमारा अगर ये ऐलान हो कि हमने एक घराने की दोस्ती इख्तियार की, तो वह खिलाफ अकल नहीं है,
यानी हमने ये कहा कि आले मोहम्मद हमारे दोस्त हैं। तो खिलाफ अकल नहीं है, हर एक के लिए कोई ना कोई तो दोस्त हो, उसमें जहमत क्या है। और लेकिन वो दोस्त वो कि जिन्होंने सिर्फ एक ख्वाहिश की है, और वो ये कि मरकज से न हटो, मरकज से न हटो, अपने आप को किसी की बंदगी से खारिज ना करो। और उसके लिए क्या हुक्म हुआ, उसके लिए हुक्म हुआ कि दिन रात उठते बैठते चलते फिरते कभी अपने आप को मुस्तगनी ना समझो, यानी ये ना समझो कि मैं अब बेफिक्र हूं, अब मुझे कोई जरूरत नहीं है। मासूम फरमाते हैं चलते फिरते इस कदर दुआ करो, इस कदर दुआ करो कि तुम ये समझो कि मैं बंदगी का हक अदा कर रहा हूं, इसलिए कि जितनी दुआ करोगे उससे बंदगी और खुलेगी, उसके खजाने में कमी नहीं होगी। नारे सलवात, देने वाले के खजाने में कमी नहीं होगी। इसलिए अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि सवाल करते हुए या दुआ करते हुए हिजाब ना आए, हिजाब ना आए। यहां तक तो गुफ्तगू अकल की थी, अगर ये बातें याद रह जाए तो ये अकल की गुफ्तगू है। और दीन दियानत की बातें ये हैं। इरशाद हुआ कि हबीब अगर कोई तुझसे ये पूछे कि किसको पुकारूं, इजा सअलक इबादी अन्नी, अगर मेरे बंदे तुझसे पूछे मैं कहां हूं, तो कह देना फइन्नी करीब, मैं तुमसे बहुत नजदीक हूं। उजीबु दावत अद्दाई इजा दान, पुकारने वाले की आवाज को सुनकर फौरन जवाब देता हूं, इतना करीब हूं कि जब कोई पुकारने वाला मुझे पुकारता है तो मैं फौरन जवाब देता हूं। अगर कोई मेरा पता पूछे तो कहना दूर नहीं हूं। यही वो मंजिल है कि जहां अंबिया ने उसको आवाज दी। कुरान मजीद के मुताल्लिक एक बात याद रखिए कि कुरान मजीद ने दुआ करने के तरीके सिखलाए। सूरह बकरा खत्म होता है मुसलसल दुआ पर, रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना व अख्ताना, तो यही पूरी एक दुआ का तरीका है। हर नबी ने एक दुआ की है, यह सूरह अंबिया में है, 21वां सूरह है। हजरत अय्यूब ने दुआ की, हजरत इब्राहिम ने दुआ की, हजरत नूह ने दुआ की, हजरत याकूब ने दुआ की, इस तरह से सारी दुआएं अंबिया में, सूरह अंबिया में। खुद सूरह इब्राहिम में हजरत इब्राहिम की दुआ है। मगर मेरी हद तक गुफ्तगू यहां तक आई तो मैं इतना अर्ज करूं कि आपके पास सबसे बड़ा जखीरा दुआ का आलम इस्लाम में अगर कहीं है तो आपके पास है। अगर दुआ का सबसे बड़ा जखीरा आलम इस्लाम में किसी के पास है तो आपके पास, यानी वो दुआ कि जिसको पढ़ने के बाद इंसान ये समझे कि वाकई बंदगी का हक अदा हो रहा है, वो दुआ कि जिसको पढ़ने के बाद इंसान ये समझे कि मालिक की मारिफत हासिल हो रही है, वो दुआ कि जिसको पढ़ने के बाद इंसान ये समझे कि अब मेरा मालिक इस दुआ के बाद मुझे नाउमैद नहीं करेगा, ये आपके पास दुआएं। एक बात जो जहन में रहे वो ये कि मैंने कभी ये गुफ्तगू की है कि तौहीद पर, अदल पर, नबुव्वत पर, कयामत पर, ये पूरे चार बाब। इमामत नहीं, इमामत पर मुसलमानों ने जिस कदर लिखने की कोशिश की किसी और सब्जेक्ट पे लिखने की कोशिश ही नहीं की। इमामत पर किताबों को भर दिया मुसलमानों ने, मगर न तौहीद पर लिख सके, न अदल पर लिख सके, न वही की कैफियत पर लिख सके, न नबुव्वत को साबित कर सके, न कयामत तक गुफ्तगू हो सके। आप समझे, कयामत वो जो मां बाद हयात है, तौहीद और वही वो जो मां कबले हयात है। वाले ला, वाले ला।
इस तरह से न मुसलमान आगाज पे गुफ्तगु कर सका न अंजाम पे गुफ्तगु कर सका। अगर किसी ने तौहीद पर, अदल पर, नबुव्वत पर और कयामत पर गुफ्तगु की है तो फकत आले मोहम्मद ने गुफ्तगु की। फकत आले मोहम्मद ने गुफ्तगु की है, कोई दुनिया का लिटरेचर देख लीजिए। अब याद रखे जाएंगे ना इन बातों, बिल्कुल इसी तरह। अब आज एक बात वो ये कि आपको आम इजाजत है बाजार से हर दुआ की किताब को खरीदिए, हर दुआ की किताब को बाजार से खरीदिए और उसको आप पढ़ने की कोशिश कीजिए। उसके बाद फुर्सत मिले तो दुआए कुमाइल को देखिए, दुआए सबाह को देखिए, जोशन कबीर को देखिए, दुआए मशलूल को देखिए, फुर्सत मिले तो सहीफ़ सज्जादिया को देखिए, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की दुआओं को देखिए, तो पता चलेगा कि जमीन और आसमान का फर्क है, जमीन और आसमान का फर्क है। आम तौर पे जो दुआएं लिखी गई वहां सनअत है, सनअत है यानी बनावट है, यानी उसमें खुद दिल यह कहता है कि मस्नूई तौर पर अल्फाज रखे गए हैं कि परवरदिगार हम ये मांगते हैं हमको ये दे दे। मगर जिन दुआओं का मैंने तस्करा किया है वहां आपको पता चलेगा कि सिवा आले मोहम्मद के गोया किसी को हक ही नहीं पहुंचता था दुआ को सिखलाने का, दुआ को सिखलाने का। और यही वजह है कि एक कंट्रोवर्शियल मसला था कि सबसे पहले दुनिया में इस्लाम में कौन सी किताब लिखी गई दुनिया इस्लाम में, तो बाज़ों ने कहा कि हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की किताब थी मुवत्ता, मीम वाव तो अलिफ, मुवत्ता है इमाम मालिक, सबसे पहली किताब है। मगर एक अजीब बात यह कि तहकीक करने के बाद पता चला कि आलम इस्लाम में जो सबसे पहली किताब लिखी गई वो सहीफ़ सज्जादिया है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की दुआओं का मजमूआ। अब कभी फुर्सत मिले और इन दुआओं को आप देखें। अब मैं तकरीर के खात्मे पर पहुंच रहा हूं, मगर मैं चाहता हूं चंद बातें जहन में रहे ताकि फिर मालूम नहीं कब फुर्सत मिले, कब आपको फिक्र का मौका मिले, जो कुछ सुने उसको महफूज रखें और जो कुछ महफूज रख सकें फिर उसको आप अपनी फिक्र में एलैबोरेट करें, आगे बढ़ाएं। वो दुआएं जो आले मोहम्मद ने हमको सिखलाई हैं और खुसूसन सहीफ़ सज्जादिया जिसका दौर वो है कि बादशाह जालिम है, बादशाह जालिम है, वो नहीं चाहता, वो नहीं चाहता कि किसी सूरत भी इस घराने की इज्जत बढ़े और ऐसे मौके पर फौरन बादे करबला, करबला की लड़ाई खत्म नहीं हुई बल्कि बनी उमैया और बनी हाशिम में एक मुस्तकिल खलीज पैदा हो गई, रास्ते अलग हो गए करबला के बाद। ऐसे में सुबह से लेकर शाम तक आबिद बीमार की दुआएं। अब इसके बाद कभी मौका मिले तो सहीफ़ सज्जादिया को देखिए, अब तो अंग्रेजी में भी इनका तर्जमा हो चुका है, लखनऊ से भी तर्जमा हो गया, अब यह किताबों का मैं समझता हूँ सहीफ़ सज्जादिया का पूरा तर्जमा आ चुका है। अजीब व गरीब दुआएं हैं। इसकी खसूसियत यह है कि एक एक दुआ में, एक एक दुआ में कभी कभी 20-20 मरतबा आले मोहम्मद पे दुरूद है, यानी एक जुमला अल्लाह की तारीफ में है और साथ ही कहा अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद, यानी दुश्मन सुन रहा है। बहुत अजीब बात है, देखिए दुश्मन सुन रहा है, बातिल की ताकतें जिसको दबाना चाहती हैं दबा नहीं सकती, इसलिए कि तुम मुल्क छीन लो, जमीन छीन लो, सर कलम कर लो, जिस्म को
रौन डालो, मगर जो इज्जत और फजीलत है वो दिलों में जा रही है इस दुआ के टुकड़े के साथ कि अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आवाज है बुलंद सलवात मैं फिर एक मरतबा करूं कि सही तौर पे मैं समझा नहीं सका, मैं वाकई समझा नहीं सका। यानी आबिद बीमार ने एक ऐसी जंग की है यजीदी लश्कर के साथ, आबिद बीमार ने एक ऐसी पैकार मोल ली है बनी उमैया के साथ इन दुआओं को पढ़ के, कि मतलब ये अब तुम्हारे इख्तदार में जो है वो तुम जुल्म करो, तुम जुल्म करो, और हमारी जबान अब रुकने वाली नहीं है, हमारी जबान रुकने वाली नहीं है। यानी अब हम अपने आप पे दुरूद भेज रहे हैं अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तो अब आप इस तरह से ये दुआओं को देखें, जितनी सही फैस सज्जादिया की दुआएं हैं बड़ी अजीब और गरीब दुआएं, खुसूसन इस्तकबाले माह सियाम, वदाए माह सियाम, दुआए मकारिमुल अखलाक, दुआए अमान, दुआए सेहत, दुआए रिस्क, जिस दुआ को आप देखें ऐसा मालूम होता है कि इमाम अलैहिस्सलाम इस बात पर अटल है और इस बात पर जोर देना चाहते हैं कि दुआ कबूल नहीं होती, दुआ कबूल नहीं होती जब तक के आगाज और अंजाम में हम पर दुरूद न भेजा जाए। गुफ्तगू खत्म हुई, अब इस मसले पे आप कभी गौर करें, मैंने आपको जहमत दी, जाहिर है कि दिल बंदगी का हमेशा दुआ चाहता है, चलते फिरते उठते बैठते अभी आपसे ये कहा गया दुआ करो दुआ करो, तो अब एक सूरत है दुआ की, वो ये कि परवरदिगार मेरी रिस्क में बरकत दे, मेरी उम्र में बरकत दे। अब सुबह से शाम तक अगर कोई ये कहे जाए कि परवरदिगार मेरे रिस्क में बरकत दे, मेरे उम्र में वसअत दे, मेरे रिस्क में बरकत दे, मेरी उम्र में ज़ियादती दे, तो ये भी एक तरीका है दुआ का, यह भी एक तरीका है दुआ का। यकीनन उसको गरा नहीं गुजरेगा, इसलिए कि वो बखील नहीं है, वो गनी है, वो देगा, वो देगा। मगर मासूम का इशारा यह है कि अपने रिस्क को और अपनी उम्र की दराजी को दिल में रख के अगर दुरूद हम पे भेजो तो रहमत इलाही दिल की हालत को जानकर इधर दुआ को कबूल करेगी, इधर रिस्क में भी इजाफा करेगी, उम्र में भी। नारे सलवात, नारे सलवात। अब यानी अपनी जात के लिए दुआ करना बंदगी की शान है, बंदगी का लाजिमा है, मगर मोहब्बत का कमाल यह है कि पहले उनके लिए दुआ की जाए, पहले उनके लिए दुआ की जाए जिन्होंने हमको राह हक पर डाल दिया, जिन्होंने ये तजवीज की कि बंदगी के माथे पर दाग रहे, दाग रहे जबीन उबूदियत पर, किसी की मिल्कियत का दाग रहे, ये दिल हमेशा आवाज देता रहे, जिन्होंने ये सिखलाया है हमको तरीका, उनके एहसान को न भूलो। ईमान क्या है? ईमान, ईमान क्या है? मासूम फरमाते हैं ईमान निस्फ शुक्र है निस्फ सब्र है, ईमान आधा शुक्र है आधा सब्र है, यह शुक्र और सब्र मिले तो ईमान है, आप समझे? तो सब्र के मुतालिक तो खैर आप कभी जान लेंगे कि सब्र के माने ये नहीं है फकत कि इंसान तमाचा खा के सर झुका ले, आप समझते हैं सब्र नहीं, बल्कि सब्र की हकीकत यह है कि इंसान अगर यह ऐलान करे कि राह हक यह है, राह हक यह, तो हजार मुसीबतों के बावजूद
उस राह हक पर अपने बढ़ने को न रोके, यह सब है। यानी जिस हालत पर आगे बढ़ रहा है उससे पीछे न हटे, यह सब्र है, सब्र कर रहा है, यह सब्र है। वो हिल्म है कि जिसको आप समझ रहे हैं टमाटर खा के चुप हो गया, वो हिल्म है। सब्र की मंजिल यह है कि अम्र हक का ऐलान किया तो है, बस अब है, यह हक है। हुसैन साबिर है इसलिए नहीं कि तीर खाते रहे, इसलिए कि कदम पीछे नहीं हटाया होता है। तो बहरहाल ईमान निस्फ सब्र है, निस्फ शुक्र है, आधा सब्र है आधा शुक्र है। और शुक्र शुक्र भाई कौन सी दुनिया की कौम है जो किसी से कुछ लेके शुक्र ना अदा करती हो? आखिर वो कौन सा इंसान है इस दुनिया में कि आपने किसी को कुछ दिया तो उसने ये न कहा हो कि आपका शुक्रिया। शुक्रिया अदा न करने वाला बेअक्ल है, शुक्रिया अदा न करने वाला बेअक्ल है। और फिर जो सबसे बड़ा हमारा मोहसिन हो उसी का शुक्रिया अदा न हो। हमारे मां बाप से बढ़ के एहसान, हमारे आबाओ अजदाद से बढ़ के एहसान, हमारे पालने वालों से बढ़ के एहसान किया आले मोहम्मद ने, अब उनका शुक्र अदा नहीं करेंगे? उनके शुक्र अदा करने का तरीका ही यह है, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद। बस गुफ्तगू मैंने खत्म की, इन बातों को याद रखिए। कुफर की ताकत यह चाहती थी कि अहले बैत का नाम ना आए। सैयद सज्जाद करबला से चले थे, यह तय करके चले थे कि अब हर कदम पे नाम आएगा। हुकूमत बातिल की यह चाहती थी कि अब इनका तस्करा ना हो। आबिद बीमार यह तय करके चले थे कि अब हर सांस में आले मोहम्मद का नाम आएगा। ये वो मंजिल है कि बाद करबला आले मोहम्मद की तारीख का मुतालिया और ज्यादा जरूरी हो जाता है, और ज्यादा जरूरी हो जाता है। अजनबी इंसानों के लिए जो पहली मर्तबा ऐसी तकरीर में शरीक होते हों, जाहिर है उनके लिए तो मैं उनकी अक्ल व फिक्र के वास्ते कोई तोहफा तो नहीं दे सकता हूं, लेकिन सिर्फ इतना अर्ज करूंगा कि तारीख वाकई दिलचस्प हो जाती है, बड़ी दिलचस्प हो जाती है ऐसे मौके पर कि जबकि हुकूमत यह जान रही है कि हम करबला में फतह पा के चले, हुकूमत को यह ख्याल है कि हमको तो फतह हो गई मगर बज़ाहिर हारने वाली दुनिया की निगाहों में बज़ाहिर जिनको शिकस्त हुई है वो इस यकीन से चले कि फतह हमने पाई। तो ये आबिद बीमार की कुव्वत है, आबिद बीमार का दिल है, ये आबिद बीमार की ताकत है। कभी कभी मौका मिले तो इस इमाम की मारिफत को हासिल करने की कोशिश कीजिए। या हुसैन मुजाहिद है या सैयद सज्जाद मुजाहिद है, या हुसैन बहादुर है या आबिद बीमार बहादुर है। नहीं, अगर अली को फातह खैबर समझते हो तो उतनी ही शिजाअत है आबिद बीमार, कुछ कम शुजात नहीं है सैयद सज्जाद की। बड़े शुजा है, बड़े शुजा है आबिद बीमार, इनकी शुजात का मुकाबला नहीं। यानी फूफी ने मदीने में दाखिल होते हुए जब काफिला जा रहा था कनीस को भेजा कि कनीस जरा आबिद बीमार को बुला लाओ। सैयद सज्जाद आए, का फूफी अम्मा क्यों याद किया है? का बेटा ये मदीना आ गया, जैनब लुट के आई है, जैनब असीर हो के आई है, ये मदीने वाले देख रहे हैं। बेटा अगर अहले मदीना मुझसे ये पूछें कि क्यों जैनब तुम्हारे बाजुओं में रस्सी बंधी थी तो मैं क्या जवाब दूं?
तो बे अख्तियार फरमाया, फूफी अम्मा ये हमारी जिल्लत नहीं है कि रस्सी बंधी थी, ये हमारी फजीलत है कि अल्लाह की राह में आले मोहम्मद दरबदर फिरे। इलाही व सैयदी व मौलाया व रब्बी, खुदावंदा हमको कामिल इमाम दिला। एक मरतबा सूरह हम्द, तीन मरतबा सूरह इख़लास, बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम, नवासता मोहम्मद वाले मोहम्मद के मरहूम को जवार मासूमीन में जगाता हूँ, हमारे अमवात को बख्श दे, हमारे जिन्नों पर रहम फरमाओ, ताजील फरमाओ।